नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं अंशली भंडारी। बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता देते हैं। पश्चिम यूपी के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ जिला पश्चिम यूपी का दौरा, शामली पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, तो विकास की परियोजनाओं का निरीक्षण जो है वो करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जनप्रतिनिधियों अधिकारियों से बात करेंगे तो विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे सीएम योगी। इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिम यूपी के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, ये बड़ी खबर। श्रामी पहुंचे हैं सीएम योगी और जानकारी फिलहाल आपको दे दें, विकास की परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे। शामली से संवाददाता आकाश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आकाश, पश्चिम यूपी के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, फिलहाल क्या कुछ उनके अभी फिलहाल कार्यक्रम चल रहे हैं? जी, मुख्यमंत्री शामली पहुंच चुके हैं कुछ ही देर में। 738 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुए 400 केवी के बिजली घर का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद में कार्यकर्ताओं के साथ उन बैठक करेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और जनप्रतिनिधि भी पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री का काफिला बिजली घर पर पहुंच चुका है। इसमें पूर्व मंत्री सुरेश राणा आदि लोग भी उनके साथ में मौजूद हैं। पुलिस प्रशासन की पूरी तैयारियां हैं उनके काफिले को मद्देनजर रखते हुए। जी आकाश शर्मा, फिलहाल पदाधिकारियों से भी मीटिंग कर रहे हैं, फिलहाल जमीनी हकीकत सरकारी योजनाओं की क्या कुछ है उसका फीडबैक जो है, स्थानीय फीडबैक वो मुख्यमंत्री स्वयं ले रहे हैं। जाहिर तौर पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण उनका ये पश्चिमी यूपी का जो दौरा है वो आना जा रहा है, कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात का उनका कार्यक्रम। जी, कहीं ना कहीं ये जो 2022 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर शामली में तीनों विधानसभा सीट पे हार मिली थी, उसके बाद में जो नेताओं के साथ, स्थानीय नेताओं के साथ मुलाकात है मुख्यमंत्री की, वो लगातार जारी है, बातचीत जारी है, समीक्षा बैठक है और आज मुख्यमंत्री खुद ही जनप्रतिनिधियों के साथ में बैठक करने के लिए खुद शामली पहुंचे हैं और उनकी बैठक अभी से कुछ देर बाद शुरू होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे, जनप्रतिनिधियों अधिकारियों से बातचीत जो है वो यहाँ पर की जा रही, विकास कार्यों की समीक्षा सीएम करेंगे और पश्चिमी यूपी के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ शामली मौजूद है और फिलहाल जानकारी आपको दे दें, शामली में पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बता दें आपको कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर एसएसपी अखिलेश यादव द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसके निरीक्षण के लिए कृष्ण जन्मभूमि पहुंचे एसएसपी ने सभी इंतजामों का बारीकी से निरीक्षण किया है और स्थानीय अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि 18 और 19 तारीख को जन्मभूमि पर दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कहीं कोई भी किसी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए पूरी तरीके से मथुरा को 3 जोन और 16 सेक्टर्स में बांटकर सुरक्षा मजबूत की गई है। साथ ही यहाँ पर पैरामिलिट्री और साक्स स्क्वाड, बम निरोधक दस्ता, पीएसी के साथ अन्य सुरक्षा एजेंसियों को तैनात किया जाएगा। इस तरह से वृंदावन में भी सुरक्षा मजबूत की जाएगी और ऐसे में भीड़भाड़ होने के चलते असामाजिक तत्व और साथ ही गुंडा तत्व सर उठाते हैं तो उन पर भी नजर रखें। वहीं एसएसपी ने बताया कि सीएम योगी के मथुरा आगमन को लेकर भी तैयारी शुरू कर दी है, हालांकि अभी तक उनका ऑफिशियल कोई कार्यक्रम यहाँ पर नहीं आया है। जन्माष्टमी के पर्व को लेकर जनपद मथुरा में, वृंदावन में खासकर व्यापक पुलिस प्रबंध किए गए हैं, जिसमें पीएसी का डिप्लॉयमेंट है, आरएएफ का डिप्लॉयमेंट है, एटीएस का डिप्लॉयमेंट है, इसके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेज का डिप्लॉयमेंट है। तो लगातार सभी जगहों पर निगरानी करी जा रही है, भारी मात्रा में पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया है सभी जगहों पर। ट्रैफिक एडवाइजरी प्लान जारी किया गया है, जिसमें जो हमारी पार्किंग व्यवस्थाएँ हैं, जो हमारा रूट डाइवर्जन है, जो नो व्हीकल जोन है, उसके संबंध में अवगत कराया गया है। इसके अलावा ड्रोन के माध्यम से निगरानी करी जा रही है और 18 और 19 तारीख में जब अत्यधिक भीड़ होने की संभावना है, पुलिस फोर्स सभी मौकों पर डिप्लॉयड रहेगा ताकि यात्रियों को, श्रद्धालुओं को सुरक्षा के संबंध में कोई समस्या ना आए। जो पुराने अपराधी इस समय पर सक्रिय हो जाते हैं उनकी निगरानी करी जा रही है, उन सभी लोगों पर इस प्रकार से अभी क्या कहते हैं हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं ताकि यात्रियों और श्रद्धालुओं को सुरक्षा के संबंध में कोई समस्या ना आए। उधर मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी को लेकर पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। बता दें कि कोरोना काल के बाद इस बार की रौनक यहां देखने को मिल रही है, इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। श्रद्धालुओं का सैलाब अभी से भगवान कृष्ण की जन्मस्थली पहुंचने लगा है। चलिए सुनाते हैं हमारे संवाददाता ने श्रद्धालुओं से क्या कुछ बातचीत की। 2 दिन पहले से आए हुए हैं तो कल हम लोगों ने वृंदावन भी घूमा, काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं, बहुत बहुत अच्छे दर्शन हुए सारे मंदिरों के। आज हम जब मंदिर में अंदर गए तो बिल्कुल इतना अद्भुत अनुभव था, अंदर से बाहर आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा।
लेकिन आज जाना है तो फिर आना पड़ा, तो बहुत अच्छा लगा। अगर बाजार की बात करें और खासकर वृंदावन और मथुरा की बात करें, क्या नजर आया आपको, कैसी भीड़ भाड़ नजर आई या और व्यवस्थाओं के बारे में क्या बताएंगे? जन्माष्टमी है तो भीड़ तो थोड़ी ज्यादा है, लेकिन सब कुछ बहुत अच्छा है, सारा एकदम माहौल ही कृष्णमय, जहाँ जाओ राधे राधे का सब जाप करते रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा लगता है। लगता है कि हाँ बिल्कुल कृष्ण भगवान की जो बाल लीलाएं सुनी थी बिल्कुल वैसी अनुभूति होती है, उनके उनका गर्भगृह देखा, बहुत अच्छा लगा। जन्माष्टमी से पहले यहाँ भीड़ कैसी नजर आ रही है? बहुत भीड़ है, बहुत भीड़, मतलब आप पैर रखने जगह नहीं, लेकिन व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, आराम से दर्शन, बाहर से ऐसा लगता है कि बहुत भीड़ है लेकिन अंदर जाकर बहुत अच्छे से दर्शन होते हैं। क्या मन करता है कि यहीं बस जाए, काना की छवि कैसी लग रही है? बिल्कुल इतनी अद्भुत छवि है, इतना एकदम ऐसा लगता है बिल्कुल असली में काना जी हमें देख रहे हैं। तो आपने सुना वहां पहुंचे श्रद्धालु जो हैं वो कितने ज्यादा प्रसन्न हैं, और हमारे संवाददाता ने जो श्रद्धालुओं से बात की वो आपने सुना कि किस तरीके से मथुरा में व्यवस्थाएं हैं जन्माष्टमी को लेकर। तो मथुरा में जन्माष्टमी के दिन देश विदेश के सभी जो कृष्ण मंदिरों और घरों में भक्तों द्वारा भगवान कृष्ण को नई पोशाक धारण कराई जाती है। जन्माष्टमी के मौके पर पहनाई जाने वाली इस विशेष पोशाक के महत्व को समझते हुए कृष्ण की लीला स्थली वृंदावन में पोशाक बनाने का काम बड़े पैमाने पर होता है। वृंदावन में कृष्ण की पोशाक बनाने का ये काम हिंदू मुस्लिम सद्भावना की एक बेजोड़ मिसाल भी है, क्योंकि यहाँ पोशाक बनाने वाले ज्यादातर कारीगर मुस्लिम हैं। वृंदावन में रंग बिरंगी बनी पोशाक देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी लोकप्रिय है। पोशाक व्यापारी का कहना यह है कि इस बार नई नई डिजाइनों की जो बड़ी सुंदर सुंदर पोशाकें हैं बाजारों में बेची जा रही हैं। वृंदावन में बनी पोशाकें देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी भेजी जाती हैं। वृंदावन के कारीगर पूरी मेहनत से इन पोशाकों को तैयार कर एक मिसाल कायम करते हैं। अभी तो पोशाक बनाते बनाते 12-13 साल करीब से बना रहे हैं हम। अब जन्माष्टमी पर है, जो जन्माष्टमी के लिए पोशाक बन रही है, हाँ कितने दिन पहले से ये काम चालू है? ये करीबन 6 महीने से। 6 महीने और लास्ट कब तक जाके पूरा होता है ये? बस आज लास्ट है, क्योंकि परसों जन्माष्टमी है तो आज कल तक में पूरा एंड हो जाएगा, उसके बाद फिर राधाष्टमी का चलेगा। इस पोशाकों के लिए कहाँ कहाँ से मांग रहे? पोशाकों के लिए पूरी ऑल इंडिया वर्ल्ड से ही आती है, वर्ल्ड से ही रहता है। पोशाक ठाकुर जी की बना रहे हैं। ठाकुर जी पोशाक बना रहे हैं, कितने समय से बनाते आ रहे हैं? 40-45 साल हो। 40-45 साल पीढ़ी पहले भी पीढ़ियाँ बनाती आई हैं? हाँ बनाती चली आ रही हैं। आप एक मुस्लिम हो के ये पोशाकें बना रहे हैं? हाँ ये हमारा काम है अपना। तो क्या कहा जाए कि एक हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम हो रही है, जो भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी को लेकर जो पोशाकें बन रही है? ये तो एक तो है और एक तो रहेगी। तो 18 और 19 अगस्त को जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा और समस्त प्रदेश में इसकी तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। कोरोना काल के बाद लोग पहली बार जन्माष्टमी पर्व को धूमधाम से मनाने के लिए काफी उत्सुक भी हैं। राजधानी लखनऊ में भी इसकी खास तैयारियां चल रही हैं, ये देखते हैं खास रिपोर्ट। सभी प्रदेश व पूरे देश में जन्माष्टमी को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कृष्ण भक्त व कृष्ण के अनुयायी तैयारियों में अभी से लगे हैं। आखिर नंद गोपाल के जन्मोत्सव को मनाने का मौका जो है, राजधानी लखनऊ में भी इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लोग घरों में झांकियां बनाते हैं, झांकियों को सुंदर तरीके से सजाया जाता है। महिलाएं सुबह से व्रत रहकर रात को 12 बजे कृष्ण जन्म लेने के बाद ही प्रसाद ग्रहण करती हैं। लखनऊ के कुछ मंदिरों में भी इसका भव्य आयोजन किया जाता है। लोग इन मंदिरों में पूजन दर्शन के लिए आते हैं। रात के 12 बजे तक जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिरों में रौनक रहती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मंदिरों के प्रबंधकों व पुजारियों को काफी तैयारियां करनी पड़ती है। लेकिन अब की शाम परिवार हमारा बहुत भव्य रूप से मनाने जा रहा है। झांकी लगेंगी, सिंगार भव्य सिंगार होगा, बाहर से फूल आएंगे, लड्डू गोपाल का अभिषेक होगा विधिवत रूप से, 5 पंडितों द्वारा मंत्र उच्चारण होगा, पूरा श्रृंगार होगा, 56 प्रकार के भोग लगेंगे, केक रहेगा, भजन कीर्तन संध्या साथ में सब चलता रहेगा। तो ये थी मंदिरों की तैयारियां। आइए चलते हैं शहर के कुछ बाजारों की तरफ, जहां जन्माष्टमी को लेकर क्या तैयारियां हैं इसको जानने की कोशिश करते हैं। जन्माष्टमी त्योहार सब सेम ही है, लेकिन इस बार उत्साह ज्यादा है क्योंकि कोरोना की वजह से 2 साल हम लोग मना ही नहीं पाए ठीक से। अब इस साल ये है थोड़ा उत्साह है कि हाँ हम लोग जो है अच्छे से मना सकेंगे। सारा सामान हम लोग को अवेलेबल रहेगा, मार्केट में आ जा सकते हैं, कई मंदिरों में भी आ जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है।
जैसा कि हम देख सकते हैं बाजार पूरी तरह से सज गए हैं। लोग भी काफी उत्साह से खरीदारी करने में लगे हुए हैं। लगभग 2 साल बाद लोग पूरी खुशी से इस उत्सव में शामिल होने के लिए तैयार हैं। 19 तारीख को जन्माष्टमी के सुअवसर पर आज हमने कुछ लखनऊ के कुछ प्रमुख मंदिरों का भ्रमण किया, जिसके तहत अभी हम खाटू श्याम मंदिर पे खड़े हैं, जो लखनऊ का बहुत ही प्रसिद्ध और पुराना मंदिर माना जाता है। यहाँ पे भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने की आशा रखते हुए भक्त यहाँ पे पूजन और दर्शन करने आते हैं। कैमरा पर्सन आशीष कश्यप के साथ सोनाली दास, जनता टीवी, लखनऊ। तो आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी यूपी बीजेपी में बैठक और मुलाकातों का दौर तेज हो गया है। वहीं दूसरी ओर अब नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की चर्चा भी तेज हो रही है। इन सब के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के अचानक दिल्ली दौरे पर वो पहुंचे और वहां उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद कुछ तस्वीरें शेयर की है। तस्वीरें शेयर करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर लिखा है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से आत्मीय भेंट कर उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण राजनीतिक विषयों पर चर्चा कर मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त किया। ये मुलाकात कई मायनों में अहम मानी जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि इन दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बैठक हुई है और इस दौरान प्रदेश के कई मुद्दों पर बात हुई है। हालांकि माना दरअसल नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चा काफी लंबे वक्त से चल रही है। हालांकि 2 राज्यों उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम के ऐलान के बाद यूपी के पार्टी चीफ के नाम का भी ऐलान जल्द हो सकता है। आपको बता दें, इससे पहले बीजेपी ने यूपी में संगठन में बदलाव किया था और इस दौरान यूपी बीजेपी के संगठन में बदलाव करते हुए संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी धर्मपाल सिंह को दी गई थी। इससे पहले 8 साल तक सुनील बंसल इस पद पर थे। उधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा की छवि लगातार हिट हो रही है। इसी साल हुए विधानसभा चुनावों के दौरान तमाम विपक्षी पार्टियों ने भी उन्होंने बुलडोजर बाबा कहकर पुकारा था और उस समय योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी चुनावी सभाओं में कहा था कि चुनाव तक के लिए बुलडोजर छुट्टी पर है और सरकार बनने के बाद फिर से काम में लग जाएंगे। उनकी ये छवि वर्ल्ड फेमस हो गई है। दुनिया के जिन देशों में भी भारतीय रहते हैं वहां सीएम योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा की छवि के बारे में लोग जानते हैं। ऐसी ही कुछ अमेरिका के न्यूजर्सी में भी देखने को तस्वीरें मिली है। यहाँ वो बकायदा एक बुलडोजर पर उनकी फोटो भी टंगी हुई और जिस पर बाबा का बुलडोजर लिखा हुआ था। आपको बता दें कि देश की स्वतंत्रता के 75वें साल पर अमेरिका के भारतीय वंशियों ने सीएम योगी के बुलडोजर की यात्रा निकाली थी और न्यूजर्सी के एडिशनल टाउनशिप के भारतीय मूल के लोगों ने बुलडोजर यात्रा निकालकर आजादी का जश्न मनाया। उधर 2 दिन पहले यानी कि 15 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ में हर्षोल्लास के साथ 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस मौके पर पूरा कोर्ट परिसर को आकर्षक तिरंगा रोशनी और साथ ही फूलों से सजाया गया। इस दौरान सीनियर जज रमेश सिन्हा को गार्डों ने सलामी दी और उसके बाद सीनियर जज ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण कार्यक्रम के बाद पीएससी बैंड ने मनोहारी प्रस्तुति दी। उधर लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह जू में पानी व्यवस्था नहीं होने से जानवरों को दिक्कतें हो रही है। वहां पानी गंदा होने की वजह से जानवर गले की प्यास भी नहीं बुझा पा रहे हैं और गंदगी भी बेतहाशा फैली हुई है, जो सरकार के दावों के खुलेआम पोल खोल रही है। हमारे संवाददाता ने मौके पर पहुंचकर क्या कुछ जायजा लिया, देखिए। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ में स्थित जू यानी चिड़ियाघर नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान में खड़ी हूं। यहां की तस्वीर दिखाना चाहूंगी कि जो इस समय जानवर हैं वो पानी के लगे की वजह से अपने इस वक्त बाड़े से तो बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन जो पानी पीने का व्यवस्था उनको जिस जगह पे बनाया गया है उस पानी का दुर्दशा देख सकते हैं, उसकी स्थिति देख सकते हैं। साफ तौर से इस कैमरे में कैद हो रहा है, करीब से आप देख सकते हैं कि ये जो पानी पीने वाला है वो कितना गंदा पानी है और भला वो जो जानवर पानी पिएगा उसका स्वास्थ्य का हालत क्या होगा। तो
ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के जो दावे हैं, जो कहे जाते हैं कि चिड़ियाघर में जो तमाम तरह के जो जानवर हैं उनको पानी पीने की व्यवस्था हो, या उनके रहने की व्यवस्था हो, या खाने पीने की व्यवस्था हो, उसकी जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से दुरुस्त की गई है। लेकिन जो है ये तस्वीर साफ तौर से पोल खुलती है कि किस तरीके से ये जो जानवर है वो कैसे पानी में बैठा हुआ है, जबकि ये जो पानी है वो पीने की व्यवस्था की गई है, लेकिन पानी इतना गंदा है कि वो जानवर भी इस पानी को नहीं पी सकते हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं तस्वीर में, तो कहीं ना कहीं जानवरों को इस पानी की वजह से उनके स्वास्थ्य को तो खतरा है ही, लेकिन जानवरों में साफ तौर से संक्रमण को लेकर भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन हमने फिर भी हमने डायरेक्टर से बात करने की कोशिश की, ऋषि पंत से, लेकिन वो हालांकि यहाँ पे मौजूद नहीं है। बताया जा रहा है कि 2 दिन की छुट्टी पे गए हैं, लेकिन फिलहाल हमने भी हमने पूछने के जो तमाम उनके सहायक अधिकारी थे, हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, तो सहायक अधिकारियों का कहना था कि जो जानवरों का पानी लगा हुआ है बरसात के मौसम में, हम उसके निकालने की व्यवस्था कर रहे हैं कि ताकि जानवरों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। लेकिन सवाल यही है कि बारिश के मौसम में इतना वक्त क्यों लगाया जा रहा है? जो जानवर पानी में बैठे हैं, जिस पानी को पीने की व्यवस्था की गई है, उस जानवर को आप देख सकते हैं कि उस जिस पानी को पीना है वहां पे जानवर वहां पे बैठा हुआ है। तो ऐसे में तस्वीर साफ तौर से ये तस्दीक कर रही है कि जानवरों की जो स्थिति है जू लखनऊ के चिड़ियाघर में, वो बहुत ही हालात उसके बेकार हैं और स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता वाला विषय है। हालांकि डायरेक्टर से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन डायरेक्टर का अभी साफ तौर से अभी फोन कॉल भी नहीं उठ रहा है। तो ऐसे में अब देखने वाली तस्वीर होगी कि सरकार का इस ओर नजर कब पड़ता है। कैमरे रियाज के साथ मैं जयसिंह, जनता टीवी लखनऊ। रुक करेंगे, इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर, बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता देते हैं। तो बड़ी खबर आ रही है इस बीच, पंचतत्व में विलीन हुई शहीद चंद्रशेखर, इस वक्त की बड़ी खबर। राजकीय सम्मान से उनका अंतिम संस्कार किया गया है, चित्रशिला घाट पर शहीद को सलामी दी गई, हजारों लोगों ने नमाखों से विदाई दी अपने शहीद को। ये इस वक्त की बड़ी खबर, शहीद चंद्रशेखर के भाई ने मुखाग्नि दी है अपने भाई को, पंचतत्व में विलीन हुए शहीद चंद्रशेखर, ये बड़ी खबर। राजकीय सम्मान से उनका अंतिम संस्कार किया गया शहीद चंद्रशेखर का, उनका पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव लाया गया और चित्रशिला घाट पर उन्हें अंतिम विदाई दी गई। उनके पंचतत्व में विलीन हुए शहीद चंद्रशेखर के भाई ने मुखाग्नि दी है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंचतत्व में विलीन हुए शहीद चंद्रशेखर, हर बोला राजकीय सम्मान से उनका अंतिम संस्कार किया गया, चित्रशिला घाट पर शहीद को अंतिम सलामी दी गई, हजारों लोगों ने नमाखों से शहीद को श्रद्धांजलि दी, भावभीनी विदाई दी। शहीद चंद्रशेखर के भाई पूरन हरभोला ने उन्हें मुखाग्नि दी है, ये बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता रहे हैं। शहीद चंद्रशेखर को अंतिम विदाई दी गई, उनका पार्थिव शरीर जो है वो उनके पैतृक गांव आज लाया गया और आज वो पंचतत्व में विलीन हो गए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सियाचिन में ऑपरेशन में एक दूध के दौरान शहीद हुए अल्द्वानी के डहरिया निवासी लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव शरीर आज उनके घर पहुंचा। पार्थिव शरीर के घर पहुंचते ही पूरा माहौल गमगीन हो गया। शहीद चंद्रशेखर हरबोला की पत्नी शांति देवी अपने पति के पार्थिव शरीर को देखकर रो पड़ी और उस समय का माहौल पूरी तरह से भावुक हो गया। वहां मौजूद तमाम लोगों की आंखों में गम के आंसू, तो शहीद की शहादत पर गर्व देखने को मिला। दरअसल 29 मई 1984 को सियाचिन में ऑपरेशन में एक दूध के दौरान लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला शहीद हो गए थे और 38 साल बाद सेना ने उनके पार्थिव शरीर को खोज निकाला और आज उनके आवास पर सेना जब पार्थिव शरीर लेकर पहुंची तो वहां मौजूद हजारों की संख्या में लोगों के नारों से शहीद चंद्रशेखर तेरा ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान के नाम से गूंज उठा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शहीद को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहीद चंद्रशेखर को हमेशा याद रखा जाएगा और देश के लिए बलिदान करने वाले उत्तराखंड के वीर शहीदों के लिए सैन्य धाम की स्थापना भी की जा रही है। साथ ही 38 साल पहले ही अन्य लापता उत्तराखंड के जवानों को खोजने की भी उम्मीद जगी है। सीएम धामी ने कहा कि इसके लिए भी भारत सरकार से बात की जाएगी और अन्य लापता जवानों की भी खोजबीन की जा सके। साथ ही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी शहीद चंद्रशेखर को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि 38 साल बाद आज हमें शहीद का पार्थिव शरीर मिला है, ये हम सबके लिए गर्व की बात है कि उन्होंने ऑपरेशन में एक दूत में अपनी अहम भूमिका निभाई और देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए।
अमर शहीद चंद्रशेखर हरबोला जी को हम अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं और वो हमेशा हमारे स्मरण में रहेंगे। उन्होंने देश की एकता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है और हमें गर्व है उनकी शहादत पर कि हम उत्तराखंड के अंदर जहां हमारे वीर सैनिकों का लगातार देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान होता है, उसी कड़ी में वीर चंद्रशेखर हरबोला जी का भी जो है बलिदान हुआ है, वो हमारे सबके हमेशा स्मरण में रहें और हमेशा हम उनकी स्मृतियों में उनकी सजा कर रखें। हमारा सैन्य धाम जो देहरादून में बन रहा है, उस सैन्य धाम में भी उनकी स्मृतियों को सजो कर रखेंगे और निकट भविष्य में आसपास के लोग, आने वाले हमारे नौनिहाल, हमारे बच्चे, सभी हमारे ऐसे भी निश्चित रूप से हम स्वर्गीय चंद्रशेखर हरबोला जी का पार्थिव शरीर उनके आवास में पहुँचा है और उन्होंने देश के लिए अपने को अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान किया और अपने को समर्पित कर दिया देश के लिए। आज यह वक्त बहुत ही कठिन समय है, बहुत दुखद क्षण है। हम सब उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं, उनको नमन करना चाहते हैं, उनका वंदन करना चाहते हैं और वह देश में उनका नाम पूरे इतिहास के पन्नों में उनका नाम हमेशा के लिए अंकित हो गया है। और मेरा मानना है कि जो नई पीढ़ी है, जो हमारे भविष्य हैं, जो हमारे नौनिहाल हैं, निश्चित रूप से उनसे प्रेरणा लेंगे। तो प्रदेश के पूर्व सीएम हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। हरीश रावत ने हरिद्वार पंचायत चुनाव में हो रही विसंगतियों को लेकर सीएम आवास के बाहर उपवास पर बैठने का ऐलान किया था, लेकिन एन वक्त पर हरीश रावत ने मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात कर पंचायत चुनाव जल्द कराने का आग्रह किया। पूर्व सीएम का कहना है कि सरकार ने जिस तरह से आरक्षण किया है उससे ग्रामीण नेतृत्व खत्म करने की कोशिश की गई है। हरीश रावत ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि पंचायत चुनाव कराने में अब ज्यादा देर नहीं की जानी चाहिए। सीएम से मुलाकात के बाद उन्होंने 18 अगस्त का उपवास स्थगित किया है। 18 तारीख को नहीं करूंगा, लेकिन ये मैंने स्थगित किया है और कब करेंगे परिस्थितियां देखेंगे, किस तरीके से परिस्थितियां हरिद्वार के अंदर डेवलप होती हैं। यदि परिस्थितियां वही बनी रही कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो, सामाजिक कार्यकर्ताओं को तड़ी पार करने की धमकियां दी जाएं, पुलिस व्यवस्था का दुरुपयोग होता रहे, तो फिर तो भाई संघर्ष करना पड़ेगा। और हमारे पास वेपन क्या है, हमारे पास हथियार क्या है? सत्याग्रह हमारे पास हथियार क्या है? उपवास हमारे पास हथियार क्या है? प्रदर्शन, यही हम करेंगे। सर क्या आपको नहीं लगता कि सर जो सीएम की तरफ से आपको आश्वासन दिया गया है वो सही होगा या फिर आपका स्टैंड? राज्य के मुख्यमंत्री पर विश्वास करने के अलावा हमारे पास विकल्प क्या है? उनको विश्वास करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री अपनी बात रखेंगे। बड़ी खबर क्यों रुक करेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है देहरादून से। प्रदेश में 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जी हां, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। आपदा प्रबंधन विभाग को रिपोर्ट भेज दी गई है। भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में लोग खासकर सावधानी बरते हैं, इसको लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। नदी नालों से दूर रहे, आपदा प्रबंधन विभाग को रिपोर्ट भेज दी गई है। नवीन शुक्ला संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं ताजा जानकारी के साथ। नवीन, फिलहाल मौसम विभाग ने मौसम को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है, पिछले अगले 3 दिनों में भारी बारिश का यह अलर्ट। जी अंजलि, निश्चित तौर पर उत्तराखंड में लगातार मौसम का जो मिजाज है वो बदलता जा रहा है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे यानी 3 दिन के लिए अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने आपदा प्रबंधन विभाग और राज्य सरकार को साफ तौर पर ये जो एडवाइजरी जारी की है कि मौसम का मिजाज देखा जाए और जो मौसम का मिजाज देखते हुए लोगों को जागरूक भी किया जाए। इसके साथ ही लगातार अगर जिलों की बात की जाए तो जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो अपने अपने जिलों की मॉनिटरिंग करें और जो व्यवस्था है उसे दुरुस्त करने का काम करें। तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग जो है समय समय पर अलर्ट जारी करता रहता है। इसके साथ ही 72 घंटे का अलर्ट जारी किया गया है तो पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं ना कहीं जरूर जब बारिश होती है तो वहां पर रास्ते मार्ग रुक जाते हैं, क्योंकि चारधाम यात्रा चल रही है और यात्रा सीजन भी चल रहा है, वीकेंड है, तो यात्रियों का हुजूम भी उत्तराखंड की तरफ रुक करता है। तो कहीं ना करने के साथ ही लोगों को जागरूक करने का काम भी करता है। इसके साथ ही अगर आपदा प्रबंधन विभाग की बात करें तो आपदा प्रबंधन विभाग ने साफ तौर पर निर्देशित किया है, संबंधित विभाग को भी यह कहा है कि हम जो है जो एडवाइजरी जारी करी है उसको ध्यान में रखा जाए। और इसके साथ ही
जो तमाम सारे जिलाधिकारी हैं उन्हें भी निर्देशित किया है। तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग एडवाइजरी जारी करता रहता है मौसम को लेकर, और अब 72 घंटे का अलर्ट जारी किया गया, तो कहीं ना जो आपदा प्रबंधन विभाग है वह पूरी तरीके से अलर्ट है। इसके साथ बिल्कुल पूरी तरीके से जो अलर्ट है वो यहाँ पर है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन इस तमाम जानकारी के लिए।